हेलो मेरे भाई लोग, मेरे हिप हॉप लवर्स और ये जितने भी जो एमी वे बंटा की पब्लिक है, उन सभी भाई लोगों को बहुत सारा प्यार, नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। और बंटाई काय बोलते तुम्ही, मी इकड़े एमी वे बंटाई से गाना और बंटाई पे रिएक्शन वीडियो करने वाले हैं। मराठी हिंदी थोड़ी मिक्स होगी, कभी कभी जुबान पे फिट नहीं हो पाती, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। फिलहाल हम यहाँ पे एमी व बंटाई के पुराने दौर में जाने वाले हैं, पुराने जोन में जाने वाले हैं, जब एमी व बंटाई नंबर वन बनने के लिए मेहनत कर रहे थे पूरी सफलता के लिए, और फाइनली आज मेहनत रंग लेके आ रही है, क्योंकि हर जगह एमी व बंटाई छा रहा है, छा रहा है, छा रहा है। एमी व बंटाई हर जगह छा रहा है, चाहे वो बाहर भी बात कर लो, बाहर भी एमी का बंटा छा रहा है, क्योंकि भर भर के कोलैबोरेशन आ रहे हैं और बाहर की पब्लिक भी सुन रही है। तो पहले गाने पे हम रिएक्शन वीडियो करेंगे, गाने का नाम है और बंटा है, जो कि 2014 में आया था, और दूसरे गाने पे हम रिएक्शन वीडियो करने वाले हैं, वो है माल वाली आंटी। तो देखते हैं एमी का बंटा ने उस वक्त आंटी की घंटी किस तरीके से बजाई थी। और यार ये जो गाने हैं उस वक्त ज़्यादा हाईलाइट हो गया थे, जब BPM चल रहा था रफ्तार और एमी वे का, उस वक्त पब्लिक ने ढूंढ ढूंढ के देखा होगा कि भाई ये गाना कैसा होने वाला है, और इसलिए अच्छे खासा रिस्पांस भी इस गाने पे मिला हुआ है। और कहीं ना कहीं एक ट्रू मोटिवेशन है, ट्रू इंस्पिरेशन है एमी वे बंटा है हर एक उस बंदे के लिए जो कड़ी मेहनत कर रहा है, क्योंकि अगर आपकी मेहनत सच्ची होती है तो आप उस लेवल पे हमेशा पहुंचते हो, जो कि एमी वे बंटा है आज यहाँ पे पहुंचा हुआ है। और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी एमी वे बंटा का कोई नया ट्रैक भी आने वाला है, क्योंकि एमी वे बंटा ने पोल रखा हुआ था अपने इंस्टाग्राम पे कि मैं किस वेरिएशन का गाना लेके आऊँ, तो पब्लिक ने डिसाइड कर रखा है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी गाना आएगा। लेकिन उससे पहले हम इस गाने को एंजॉय करने वाले हैं, लेट्स गो। और बनता है क्या बोलते तुम, नाश्ता पानी करके चाय में चीनी कम, कोई मारे दम तो कोई चिलम, सब पुकारे कि ना बोले बम बम। और जितने भी एमी वे बंटा के फैन है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, और जितने भी एमी वे बंटा का सुना है, और बनता है एमी वे बंटा का नाम हो हम सबको मालूम है, तो हुक लाइन लगभग मुझे लग रहा है सबको याद होगी। भाई सबकी मारने आए ले फिर से EM 24/7 एमीवे बोले तो बधीर और बंटाई क्या बोलते तुम, नाश्ता पानी करके पिए चाय में चीनी कम, कोई मारे दम तो कोई चिलम, सब पुकारे के नाम बोले बम बम, और बंटाई क्या बोलते तुम। अच्छा यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो यार, मतलब अभी गाने की जो है वो लिपसिंग भी मैच नहीं हो पा रही है, और शक्ल भी देखो भाई बिल्कुल ही चेंज हो गया, तो बीएड बीएड वगैरह रख लिया दबा के, पहले तो चिकना कांडी था बिल्कुल, काला सा पतला सा बंदा, टी शर्ट भी डिली डाली। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जब किसी ने किसी अच्छे रैपर ने एमी वे बंटा का वाला गाना सुना होगा ना, तो यही कह रहा होगा भाई यार, 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, 2014 में जब ये गाना आया था, कह रहा होगा भाई यार क्या बंदा है यार, मतलब कोई भी मुंह उठा के रैपर बनने के लिए आ जाता है ना, ना लुक अच्छा है ना, मिक्सिंग भी अच्छी नहीं कर रखी और लिपसिंग भी अच्छे से नहीं हो पा रही है। लेकिन अभी के टाइम में जब जब एमी वे बंटा के गाने आते होंगे, और जब जब वो गाने ट्रेंडिंग पे जाते होंगे, तो उनके मुंह पे थप्पड़े पड़ते होंगे और सोचते होंगे यार नहीं यार, हमने जो है एमी वे बंटा को हल्के में ले लिया था। लेकिन वाकई यार बंदा यार सैल्यूट है, ट्रू इंस्पिरेशन है। और मैं यही कहता हूँ यार, मेहनत हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड होती है। देखते हैं एमी वे बंटा को, लेकिन मुझे हंसी आ रही है यार एमी वे बंटा का लुक देख के, और बंटा जो कर रहा है ना वो, नाश्ता पानी करके पिए चाय में चीनी कम, कोई मारे दम तो कोई चिलम, सब पुकारे के नाम बोले बम बम, अरे इना मीना डिका मैंने ठूका, उसने छीका जो भी मेरे सामने आके भूखा, उसे मैंने तभी रोका जीने से, इस बात पे गौर दे और ध्यान से सोच ले सोच ले, वरना जीना छोड़ दे, अपन के पंडर सब है चाने, कोई भी पटेल सामने आवे उसके तो हम रस लगाते, घर पे जा तू बाल्टी उठा ले सोचा ले, मैं हमने को जा रहे थोड़ा सा तू पानी बचा ले, उसमें जाके तू और बंटाई क्या बोलते तुम, नाश्ता पानी करके भी ये चाय में चीनी कम, कोई मारे दम तो कोई चिलम, सब पुकारे के नाम बोले बम बम, और बंटाई क्या बोलते तुम, नाश्ता पानी करके भी ये चाय में चीनी कम, कोई मारे दम तो कोई चिलम, सब पुकारे के नाम बोले बम बम, अरे रैप पप्पू नहीं से करते सब जाते तालिया, कोई भी अपने बीच में आवे उसको देवे गालिया, रैपिंग में बोले तो अपन ने सबको खा लिया, अपन भी होते रैपिंग में बोले तो हमने सबको खा, ये मतलब ये भी यार भविष्य, मतलब रैपर का मैंने ये सीन देखा, बंदे भाई भविष्यवाणी में पहले करके रख देते हैं यार, कि भाई मैं रैपर ये वो, वाकई सही है रैपर को मैंने खा लिया। और यार ये देख लो, मतलब परफेक्शन नहीं है बिल्कुल भी इस गाने के अंदर, लेकिन पब्लिक जो बंटा की जो पब्लिक है उसने इतना प्यार दे दिया ना, मैं वही कह रहा हूँ अगर एमी वो बंटा यूं यूं बैठा भी रहा ना,
तो वो भी गाना, वो भी मिलियन में जाएगा और वो भी ट्रेंडिंग में पहुंच जाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि वो प्यार है इतना। देखो ब्लर ब्लर भी जो है वो भी हो रखा है, पूरा पूरा चेहरा ना फोकस है अच्छे से भाई। लेकिन यार ये एमवी पपंटा के लुक देखो, जो जेस्चर जो कर रहे हैं ना, वो देखिए मुझे बहुत मजा आ रहा है। रिस्पेक्ट यार, एमवी पपंटा इज्जत बहुत है, क्योंकि जोश लेके आता है यार, जब भी आता है यार। कोई मारे दम तो कोई चिलम, सब पुकारे की नाम बोले बम बम। अरे रैप पप्पू नहीं से करते सब जाते तालिया, कोई भी अपने बीच में आवे उसको देवे गालिया। रैपिंग में बोले तो अपुन ने सबको खा लिया, अपुन भी होते अमीर अगर ना होता मालिया। अपने सिर पे ना किसी का साया है ना माया, जो भी आके हमसे अकड़े उसको अपुन ने टसाया। भाई लेने के देने ना पड़े, देने के लेने ना पड़े, पोकट के रहमानी कीड़े पोकट में लड़की को छेड़े। छोड़ो सारे फालतू गिरी, छोड़ो सारे वेला गिरी, छोड़ो सब कुछ वरना आएगी तेरी भी बारी। सोच ले ये सब कुछ तू छोड़ दे मामू, छोड़ दे छोड़ दे, वरना तू भी रोड पे। इधर देख उधर देख, इसको देख उसको देख, उसको देख अभी इसको देख अभी, सबको छोड़ दू मुझको देख, ध्यान से देख मेरी आंखों में देख, और घूर के चल बे चिल्लिया। और बंटाई क्या बोलते तुम, नाश्ता पानी करके पिए चाय में चीनी कम। कोई मारे दम तो कोई चिलम, सब पुकारे के नाम बोले बम बम। और बंटाई क्या बोलते तुम, नाश्ता पानी करके पिए चाय में चीनी कम। कोई मारे दम तो कोई चिलम, सब पुकारे के नाम बोले बम बम। अरे मुंबई के पहचान है मुंबई के भाई, उनके बोलने चलने का सब कुछ है डिफरेंट स्टाइल। डायलॉग में बोले तो छाए है भाई मियाँ भाई, मापुल बंटा आए बा मुंबई और बोलो भाई। अरे पहनावा तो सबसे हटकर, कॉलर थोड़ा ऊपर उठाकर, सल्लू भाई का चैन पहन के सड़कों पे हम फिरते रहते। आड़ी टेढ़ी बातें करते, इसकी उसकी फिल्म बनाते, ढेर खींचते लफड़ा करते, जिधर भी जाते भर के आते। आती को अब आने दो, चलती को अब जाने दो, फोकट के बवाल ना पालो, फोकट के मचमच ना पालो। टोले से अपन डरते, टोले को हम पीछे करते, गाड़ी को हम तेज चलाते, टोले को भिंगरी पिनाते। कोई अनाड़ी कोई खिलाड़ी, कोई जुआरी कोई सवारी, नशे से शुरुआत नशे पे बर्बाद। भाई नशा तो है फटफट चढ़ती, इससे मिलती सबको शांति, नशे पे ना कोई पाबंदी, कम हो जाएगी तेरी गिनती। और बंटाई क्या बोलते तुम, नाश्ता पानी करके पिए चाय में चीनी कम। कोई मारे दम तो कोई चिलम, सब पुकारे के नाम बोले बम बम। और बंटाई क्या बोलते तुम, नाश्ता पानी करके पिए चाय में चीनी कम। कोई मारे दम तो कोई चिलम, सब पुकारे के नाम बोले बम बम भाई, बोले बम बम भाई, बोले बम बम, बोले बम बम भाई, बोले बम बम। यार मतलब जब हम पुराने दौर, अगर हम अपनी पुरानी एल्बम भी उठा के देखते ना बचपन की, तो अभी हमें बहुत अच्छी हंसी आती है कि यार हम मतलब कैसे थे उस वक्त। और यार एमवी में पट्टा अभी भी देखता होगा ना, तो कहता होगा यार कि यार मेरी मेहनत जो है, जो मैंने सपने सोचे थे, वो सारे के सारे सक्सेसफुली हो गए हैं। अब जो है वो है गाना माल वाली एंटी, और ये मुझे लग रहा है थोड़ा कॉमेडी वाला गाना होने वाला है, मस्ती वाला गाना होने वाला है। और स्टार्टिंग ही देख लो भाई, कैमरा कहाँ से स्टार्ट हुआ है। अच्छा 2014 में थोड़ा मतलब अपने ऊपर ध्यान नहीं देता था, लेकिन 2015 में अपने ऊपर थोड़ा अच्छा लग रहा है। 2016 17 18 19 20 और अभी के टाइम पे डीसी भाई बंदे का एक नंबर खतरनाक रहता है, लुक भी एक खतरनाक रहता है यार। माल लग रहा है कि इसने भाभी वाभी पढ़ा रखी है क्या कोई, मतलब खड़ा हो गया लिखा है खड़ा हो गया। माल वाली आंटी जो दिखती सीधी सादी, वो दिखती फाड़ू आंटी, वो माल वाली आंटी। माल वाली आंटी जो दिखती सीधी सादी, जो नीली राली मैक्सी, वो आंटी बड़ी क्लास थी। माल वाली आंटी क्या दिखती कमाल की, इसे देख के मिलते शांति, वो आंटी क्लास थी। माल वाली आंटी को घूरे तो पड़े बाल्टी, जो हर किसने में बसी एक चीज क्या आंटी, माल वाली आंटी। बड़ी हॉट दिखती जब पहनती है लहंगा, आंटी के सामने भी उसका पति दिखता है ठेंगा। आंटी को पटाना पड़ेगा तुझको बड़ा महंगा, आंटी के साथ दिन रात खेलूंगा मैं रिंगा रिंगा। आंटी के पति को पता चलेगा तो करेगा पुलिस कंप्लेंट, लेकिन आंटी से पूछो तो बोलती है शी डोंट हैव एनी हर
हस्बैंड। अगर आंटी को देखेगा अंबानी, खुद ही लिख के देगा प्रॉपर्टी आंटी के नाम पे। चल बे लग जा फिर से काम पे। माल वाली आंटी जो दिखती सीधी सादी, वो दिखती फाड़ू आंटी, वो माल वाली आंटी। माल वाली आंटी जो दिखती सीधी सादी, जो नीली राली मैक्सी, वो आंटी बड़ी क्लास थी। माल वाली आंटी जो दिखती सीधी सादी, वो दिखती फाड़ू आंटी, वो माल वाली आंटी। माल वाली आंटी जो दिखती सीधी सादी, जो नीली राली मैक्सी, वो आंटी बड़ी क्लास थी। आंटी के बाल सिल्की, आंटी का गोरा रंग, 30-35 साल की आंटी दिखती है यंग। और आंटी का अंग बोलने का ढंग, जो भी देखे सुने हो जाएगा भंग। और ऐसी फाड़ू आंटी बहुत पहले मिली होती तो शादी कर लेता दबंग। स्टॉल पे खड़ा था, खा रहा था बिस्किट में मारी, देखा गोरा कमर आंटी का, आंटी पहनी थी सारी। आंटी ने देखा मेरी तरफ और देखो के आंख मार ले, बेटा मुझे देखा अब मेरा काम भारी। हां तेजी में बोलने जाऊंगा तो भी आंटी के लिए बड़े शब्द कम, प्यारे का नशा है आंटी उसे भर ले चिलम में मार ले दम। आंटी का बहुत बड़ा है क्या दिल, आंटी का फटा पड़ा है कपड़े दिल। कपड़ा फटेला है टेलर से ला रेला, तब तक तू ये सुन। माल वाली आंटी जो दिखती सीधी सादी, वो दिखती फाड़ू आंटी, वो माल वाली आंटी। माल वाली आंटी जो दिखती सीधी सादी, जो नीली राली मैक्सी, वो आंटी बड़ी क्लास थी। माल वाली आंटी जो दिखती सीधी सादी, वो दिखती फाड़ू आंटी, वो माल वाली आंटी। माल वाली आंटी जो दिखती सीधी सादी, जो नीली राली मैक्सी, वो आंटी बड़ी क्लास थी। आंटी आंटी बोल के बजा रहा है घंटी, तेरे पीछे पुलिस पड़ेगी ये है मेरी गारंटी। आंटी बोलना बंद कर दी, मैं उम्र में हूँ छोटी, समझा ये है मेरा नंबर, कभी चौबी होगा फ्री। अबे तो सीरियस हो गई भाई। अरे वटा भाई, माल वाली आंटी के चक्कर में हाल ना बिगड़ जाए तो अभी आंटी माल एरिया में बवाल। माल वाली आंटी दिखती सीधी सादी, वो दिखती फाड़ू आंटी, वो माल वाली आंटी। माल वाली आंटी जो दिखती सीधी सादी, जो नीली राली मैक्सी, वो आंटी बड़ी क्लास थी। बहुत मजा आ गया भाई, माल वाली आंटी गाना सुन के एमबीए में बंटा का। ये लड़की का पार्ट किसने लिखा था, मुख्तार तो नहीं लिखा यार ये? शाहरुख शेख बोले तो एमबीए में बंटा भाई। मजा आ गया। तो ये थी एमबीए में बंटा की पुरानी वाली जर्नी। और ये एक चीज हमने देखा है, जब कोई बंदा नया रैप स्टार्ट करता है तो वो पूरी कोशिश करता है कि मेरा गाना कैसे भी वायरल हो जाए। और मतलब चूद वॉल्यूम 1, उसके बाद ओंडम, गड़बड़, माल वाली आंटी, शॉर्ट लगानी है, मतलब हिप हॉप सीन के अंदर भाई हर एक तरीके के गाने आ चुके हैं। और वो चाहते हैं यार पब्लिक तक हमारा गाना कैसे भी पहुंचे। तो यार ये थे एमबीए पंडा के पुराने गाने, सुन के बहुत ही मजा आया। और मैं यही चाहता हूँ कि यार एमबीए पंडा ने जो भी इज्जत बना रखी, वो इज्जत ऐसे ही बना के रखे। और भाई सैल्यूट यार बंदे को। यार ये देखो यार, बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखो कि यार ये सोचो कि यार एमबीए पंडा एक साधारण बंदा है, और वहाँ से जो पुराने गाने देखते देखते अब देखो कि 2020 में बंदे यार क्या लेवल पहुँच गया यार। मेहनत, इसे कहते हैं सिर्फ और मेहनत और मेहनत। और एमबीए पंडा कहते हैं ना कंसिस्टेंसी इज अ की, तो वो बात बिल्कुल सही है भाई। मेहनत आपकी अच्छी होनी चाहिए और साथ में अपना जो शक्ल है वो मार्केट में आपको बार बार दिखाना चाहिए। और एमबीए पंडा वही कर रहा है, एक के बाद एक खतरनाक वाले गाने लेके आ रहा है। तो बस यार यही दो थे आज, मैंने बहुत इंजॉय कर लिया एमबीए पंडा के गाने से। मुझे मालूम है जब अगर आप भी एमबीए पंडा के फैन है, आपने भी ये गाना फर्स्ट टाइम सुना होगा, तो आपने भी बहुत इंजॉय किया होगा। और यही दिमाग में आपके पक्का यही आएगा कि यार एमबीए पंडा यार सैल्यूट यार, बंदा यार कहाँ से कहाँ पहुँच गया यार। बंदे को मानना पड़ेगा यार, लोगों ने गिराया, लोगों ने क्या क्या कुछ नहीं किया, कितनी मीम्स बने, आज भी डिस्ट्रैक्ट बन रहे, लेकिन हर एक चीज को इग्नोर करते हुए बंदा डे बाय डे आगे निकलता जा रहा है। तो यार इस चीज के लिए तो इज्जत यार, बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है। बाकी गाना सुन के मुझे हमेशा ही मजा आता है। और ये जो थोड़े कॉमेडी वाले गाने थे और बंटा है में, तो मतलब अलग ही सीन था। और बंटा है चीनी कम, वो चीज़ अच्छा लगा। और माल वाली आंटी तो भाई अलग ही गाना निकालते, जैसे ओम प्रकाश ने निकाला था ना, मेरे को लग ही रहा था कुछ ना कुछ ऐसा वाला गाना होने वाला, इसलिए मैंने ये गाने को जरूर चुना था। तो बस यार ये था, बाकी सभी भाई लोगों को बहुत सारा प्यार, शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी सभी लोगों को बाय बाय, लव यू, टेक केयर।